बिस्मिल रहीम ये चैप्टर है द इनहेरिटर्स इसका पार्ट वन हम कर चुके हैं वीडियो तो आप देख लें लिंक में दिया होगा ऊपर राइट पे इधर राइट पे भी दिया होगा और नीचे भी दिया होगा लिंक और वैसे आप प्लेलिस्ट में चले जाएं वहां से ही मिल जाएगा चैनल पे वीडियो है तो हमने यहाँ तक कर लिया था आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट हम कोशिश करेंगे आज इस इन फिनिश कर लें एज रिगार्ड्स द ब्लैंकेट तो ब्लैंकेट की अगर बात की जाए सही है एज रिगार्ड्स टू द ब्लैके ब्लैंकेट या ब्लैंकेट के बारे में, मेंजम no के लिए कोई का हैड मतलब नहीं था उसके पास नो no यूज कोई जरूरत नहीं थी उसको कोई इस्तेमाल नहीं था यूज कहते हैं इस्तेमाल को फॉर इट फॉर इट का मतलब ब्लैंकेट इट का मतलब ब्लैंकेट सही है इसके लिए कोई इस्तेमाल था बिकॉज बिकॉज कब कहां पे लगता है बिकॉज लगता है क्योंकि क्योंकि इट वॉज हॉट इट वॉज हॉट ड्यूरिंग द डे होता था गर्म हॉट का मतलब गर्मी होती थी इट वॉज हॉट ड्यूरिंग कहते हैं दौरान किसको कहते हैं दौरान ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान या दिन के वक्त दिन के दौरान जो है गर्मी होती थी एट नाइट रात के वक्त वेन इट ग्रीव कोल्ड जब सर्दी बढ़ जाती ग्रीव का मतलब बढ़ना कोल्ड का मतलब सर्दी वैन कहा जब. जब। 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 सर्दी बढ़ जाती वो कांपता था कौन अभी मौजम की बात हो रही है शिवर शिवर का मतलब कांपना शिवरिंग ओ हम शिवरिंग हम मैं कांप रहा हूं सही है शिवर किसको कहते हैं कांपने को ही वु enjoyed a deep, comfortable sleep under the warm blanket. While का मतलब है जब के वायल लगता है मतलब जिस मतलब जब हो रहा हो जब ये मैं कर रहा हूं तो उस वक्त वो हो रहा हो समझ रहे बात आजम इंजॉयड अ डीप तो आजम जो है इंजॉय करता था मजे लेता था गहरी डीप कहते हैं किसी भी चीज को गहरी को वॉटर इज वेरी डीप यहां पानी बहुत गहरा है समझ रहे बात दिस पूल इज वेरी डीप पूल कहते हैं स्विमिंग पूल जिसमें कूदते हैं ना स्विमिंग करने के लिए तो दिस पूल इज वेरी डीप ये डीप पूल बहुत बहुत डीप है सही है कंफर्टेबल मतलब आराम दे दिस बेड इज वेरी कंफर्टेबल सही है और दिस सोफा इज वेरी कंफर्टेबल ये सोफा बहुत कंफर्टेबल है तो so, कंफर्टेबल कहते हैं आ, आ, आराम दे को सही है कंफर्टेबल स्लीप का मतलब आराम दे स्लीप अंडर अंडर देखो प्रीपोजिशन है अंडर द टेबल का मतलब होता है टेबल के नीचे समझ रहे हो बात अंडर है अंडर ब्लैंकेट का मतलब क्या है? Warm blanket, यानी warm कहते हैं को। सर्दियों में अगर कोई ऐसे इट इज नाइस एंड वार्म ये बहुत अच्छी है और गर्म मजेदार है गर्म मतलब अच्छे वाला गर्म बोल रहे हैं वार्म है सही है अच्छा कभी ये बोलते हैं कि, ल्यूक वार्म वाटर से जो है ना गागल्स कर लो ल्यूक वार्म So, मतलब कुन को ना गर्म उसको कहते हैं ल्यूक वॉर्म को सही है वॉर्म कहते हैं गर्म को हॉट होता है बहुत गर्म वॉर्म होता है बस जस्ट गर्म नाइस एंड वॉर्म समझ रहे हो बात तो वॉर्म ब्लैंकेट के लिए इस्तेमाल होता है कि हमें हॉट थोड़ी चाहिए ब्लैंकेट गर्म हो रही है अंदर आदमी लेटे और चुड़के लगे तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना बस ऐसा चाहिए जो इंसान के लिए मुफ्क हो वॉर्म हो गर्म हो सही है ताकि सर्दी का असर जायल हो जाए दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम वेंट ऑन मैं मैं एक और जुमला भी होता है व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है तो गो का पास्ट uh, का फॉर्म क्या होता है वेंट सही है दिस वेंट ऑन गोइंग ऑन तो ये वेंट ऑन है ये चलता रहा पास्ट में ये चलता रहा फॉर सम टाइम सम का मतलब कुछ टाइम वक्त तो फॉर का के, के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ वक्त के लिए ऐसा दिस वेंट ऑन ये चलता रहा एन ओल्ड मैं अभी देखें एन जो है ये वोवेल से पहले आता है सही है आ और एन आ, एन आता है जैसे एक आ, ओल्ड आदमी स्पेशल सही है ऑफ द विलेज गांव का विलेज गांव होता है तो गांव का ऑफ द विलेज एन ओल्ड मैन ऑफ द विलेज एक बूढ़ा आदमी गांव का सही है नोटिस्ड मतलब उसने ये नोट किया उसने पहचाना देखा उसने नोटिस किया नोटिस्ड हाउ द यंगर ब्रदर वॉज बी चीटेड बाय द एल्डर ब्रदर नोटिस क्या किया उसने कि हाउ मतलब कैसे जैसे बोलते हैं ना हाउ आर यू आप कैसे हैं हाउ हाउ कैसे सही है नोटिस हाउ यंगर ब्रदर किस तरह छोटा जो भाई है वाज वाज बीइंग इसका मतलब ये पास्ट की फॉर्म है और बीइंग का मतलब होता है जो चीज हो रही हो बीइंग वहां लगता है वाज बीइंग चीटेड यानी धोखा खा रहा है सही है वॉज बींग चीटेड बाय द एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई के जरिए किस तरह वो धोखा कर रहा है छोटा भाई मुसलसल सही है? One day, एक दिन ओल्ड मैन जो बुरा आदमी था वेंट टू देर हाउस अब देखो गो की सेकेंड फॉर्म क्या है बेटा वेंट, वेंट।, वेंट। तो यानी वेंट का मतलब गया गो का मतलब जाना होता है लेकिन प्रेजेंट में वेंट हो गया पास्ट में Past, किस boy. में हो गया पास्ट में वेंट टू देयर हाउस हो गया उनके घर एंड फाउंड और पाया फाउंड का मतलब क्या होता है पाया व्हाट डिड यू फाइंड देयर और आई हैव फाउंड मुझे मिला है सही है मैंने पाया है आई फाउंड दीस टू थिंग्स देयर मैंने ये दो चीजों को पाया है उधर आई फाउंड हिम देयर मैंने उसको उधर पाया है समझ रहे हो बात फाउंड मतलब पाना

why लेकर आओ कि अगर कोई चीज हो रही है तो जहन में सोचो ये क्यों हो रही है क्यों जो है ना वो बहुत सारी चीजों को चीजें इंसान को फिखा देता है तो क्या चीज है क्यों इंग्लिश में why हर चीज में अगर आपका जहन पूछ रहा है ना why 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 you will learn a lot आप बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप why पूछने वाले हो जाएं समझ में आ रही बात तो ये why अपनी इस एज में बच्चों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा why को अपने अंदर रखें बहुत से लोग होते हैं इकतफा कर लेते हैं यानी बस बस बोलते हैं और इट्स पेट भर गया जितनी मालूम सही है डिग नहीं करते डिग का मतलब अंदर नहीं घुसते खोदते नहीं है अंदर जाके नहीं ढूंढते कि क्या क्या असल में क्या है सीन ऊपर से ही निकल जाते हैं समझ रहे हो बात को तो वाय जो है बहुत से रास्ते खोलता है मैं वैसे ही वाय पे रुक गया वाय आर यू फीडिंग द काव अब वो देखो समझना चाह रहा है तो उसने क्या इस्तेमाल किया वाय क्यों क्यों खिला रहे हो तुम गाय को सेट द ओल्ड मैन कहा बुढ़े आदमी ने बुजुर्ग आदमी ने कहा कि क्यों खेला रहे हो बिकॉज द फ्रंट पार्ट इज माइन उसने कहा क्योंकि बिकॉज द फ्रंट पार्ट इज माइन क्योंकि अगला, अगला हिस्सा जो है वो मेरा है माइन मतलब मेरा सही है इफ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है क्या है helping helping बिकॉज because, because बिकॉज पे यूज होता है क्यों के जब आप जवाब देते हैं ना वाई का वाई क्यों तो बिकॉज वाई का जवाब किस तरह आता है because. सही है तो सामने वाला जिसको पता होगा वो आपको जवाब कैसे देगा आप पूछोगे वाई वाई लाइक दिस like तो अगला जवाब देगा बिकॉज इट इज लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन सही है बिकॉज इसलिए इस्तेमाल होता है क्यों के बिकॉज द फ्रंट पार्ट इज माइन क्योंकि जो अगला हिस्सा है वो मेरा एंसर्ड मॉजन मोजम ने जवाब दिया एंड हु मिल्क क्वेश्चन मार्क यानी पूछा होगा अब यहाँ क्या लिखा है जो पिछला हिस्सा है वो उसका है दूध वही से निकलता है एंसर्ड मोजम इनोसेंटली जवाब दिया मोजम ने मासूमियत के साथ इनोसेंटली सही है डज ही गिव यू एनी मिल्क Does, देखो ये इनडेफिनेट uh, टेंस है ना ही गिव यू एनी मिल्क सही है अगर ये डज हटा दें तो ये बन जाएगा इसका अफर्मेटिव बन जाएगा ही गिव्स यू ही के साथ जब भी वर्ब आता है उसके साथ एस लग जाता है समझ में आई बात ही के साथ जब भी वर्ब आता है ये वर्ब है give. तो उसके साथ लग जाता है आखिर में एस सो ही गिव्स यू मिल्क यानी वो देता है आपको मिल्क तो उसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो एस हटा देंगे और वो डज बन जाएगा डज में एस आता है ना दो वर्ड लगते हैं डू या डज तो ही और शी जिसमें आ रहा होता है उसके लिए डज लगता है तो मैंने ऐसे याद रखा है कि यहां से ऐसा हटता हुआ चला जाता है <laughs> सही है डज ही गिव यू एनी मिल्क क्या वो देता है आपको कुछ दूध आज द ओल्ड मैन तो बूढ़े आदमी ने पूछा सवाल किया नो no, नहीं इन्वर्टेड में लिखा सही है इन्वर्टेड कॉमे में जवाब क्या दे रहा है देखो ये देन है बेटा टी एच ई एन।, एन दिख रहा है ना आप लोगों को आवाज भी आ रही है टी एच ई एन है, सही है टी एच ई एन का मतलब है एक और देन भी होता है वो टी एच एन सही है दोनों में फर्क है ये वाला लगता है इफ और देन के साथ सही है बाकी जगह पे ये टी एच ई एन वाला लगता है देन यू आर अ फूल इफ और देन में टी एच एन, एन।, 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 एन। A N A A B C D होता है ना ए, ए जहां से स्टार्ट होता है A N T H A N if then में और वरना T H E N सही है then you are a fool तो आप तो हो बेवकूफ احمق सही है आर अ फूल फूल का मतलब हो गया احمق हो आप then you are a यू होता है आप हो अब यू के साथ आर लगता है इज नहीं लगता सही है इज लगता है किसके साथ ही शी और इट के साथ सही है यू आर अ फूल आप एक احمق हो You look, you के बात क्या लिखा है लुक आफ्टर मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं लुक आफ्टर एक खास word है, सही एक फ्रेज है एक फ्रेज है दो का कॉम्बिनेशन मिला के इसका एक मतलब बनता है यू लुक आफ्टर तुम ख्याल रखते हो ये दोनों मिला के क्या बनता है ख्याल रखते हो क्या बनता है ख्याल. यू लुक आफ्टर ख्याल रखते हो गाय का एंड फीड हर आप उसको खिलाते भी हो फीड का मतलब खिलाना फीड का मतलब खिला। खिलाना खिलाते हो उसको देते हो खिलाते पिलाते सब कुछ है फीड एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क और जो आपका भाई है योर ब्रदर अब यार ये लफ्ज मुझे बहुत अच्छा लगता है गेट्स ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है गेट्स इसको अपना दोस्त बना लो इस लफ्स को गेट इंटू द कार गेट आउट ऑफ द कार और गेट इंटू इट इसमें दाखिल हो जाओ गेट इंटू द कार मतलब कार में दाखिल हो जाओ गेट इंटू द बस गेट इंटू द लिफ्ट गेट सही है आप हैव टू गेट देयर आई हैव टू गेट देयर मुझे वहां पहुंचना है गेट बहुत जगह इस्तेमाल होता है सही है सही है समझ रहे हो बात सो वी वी हैव टू गेट इट हमें ये लेना है सही है वी हैव टू गेट इट सो गेट बहुत जगह बहुत मतलब हो के साथ इस्तेमाल होता है सो योर ब्रदर गेट्स गेट्स का मतलब ले लेता है ले लेता है गेट्स ऑल द मिल्क सही है अब अगर मैं बोलूं गेट इन टू द कार मतलब दाखिल हो जाओ गाड़ी के अंदर वहां पे लेना नहीं है इसका मतलब यहाँ पे लेना बन रहा है इसका मतलब और गेट इट गेट इट मैं बोलूं ये दीज आर द बुक्स गेट वन आउट ऑफ इट ये किताबें हैं गेट वन आउट ऑफ इट गेट वन एक ले लो इसमें से सही है और अक्सर हाँ शॉपिंग सेंटर में भी लिखा होता है ना बाय वन गेट वन फ्री बाय वन मतलब खरीदो एक और गेट वन फ्री मतलब एक ले, ले लो फ्री में बोलो बाय वन गेट वन फ्री, वन, गेट वन, गेट वन, वन, फ्री। तेजी से बोलो ये ऑफर होती है लिखा होता है बाय वन, वन, वन गेट वन फ्री ये ऑफर का नाम है बाय वन गेट वन फ्री अक्सर ये मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में ओवरसीज भी लगती है बाय वन गेट वन फ्री मतलब एक खरीदो एक फ्री आ जाएगा सही है यानी कि एक के पैसे दो दूसरा फ्री आ जाएगा सही है और या तो यूं होता है बाय थ्री गेट वन फ्री यानी तीन खरीदो तो चौथा फ्री मिल जाएगा समझ में आई तो गेट देखो आप ही इस्तेमाल हो तो गेट मुझे अच्छा लफ्ज लगता है मैं चाहता हूँ आपकी भी इससे दोस्ती करवा दू करवा दी हो गई yes, yes, yes. तो आपकी दोस्ती हो गई पक्की वाली सही ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क आपका जो दो भाई है वो ले लेता है सारा दूध बट वॉट कैन आई डू बट साहब जब भी आते हैं ना तो लेकिन मैं क्या करूं यार लेकिन लेकिन के लिए वो अरबिक में क्या बोलते हैं वो किन, वाला किन. कुरान में भी आता है ना वो लाकिन, लाकिन। उर्दू में है लेकिन टर्किश लैंग्वेज में भी आता है लाकिन लाकिन सही है बट वट कैन यू डू कैन आई डू लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मतलब जैसे मैं बोलता कि मैं क्या कर सकता हूँ सही है वॉट कैन आई डू डू का मतलब मैं करना सो व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ आगे क्या लगा क्वेश्चन मार्क यानी ये पूछ रहा है सैड मुआजम मुणद्दम, कहा मुआजम ने अच्छा ये देखो इस किताब की और इस चैप्टर की क्या है कि ये कुछ ये सादा सादा नहीं बोल रहे कि मज़म ने कहा कि मैं अब क्या करूं ऐसा नहीं बोल रहे मतलब उसके अंदर वो जज्बात भी डाल रहे हैं मंजर भी डाल रहे हैं कशी भी कर रहे हैं कशी का मतलब आप सोचें कि वो बेबसी के आलम में बोल रहा है हेल्पलेसली ये वर्ड कितना स्मार्ट वर्ड है मतलब हर जगह कहीं पे लिख रहे हैं चीयरफुली कहीं पे लिख रहे हैं हैप्पीली कहीं पे लिख रहे हैं जो मंजर है वहां का वो किसी ना किसी तरह अल्फाज के ज़रिए कैप्चर कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर सही है सैड मुआजम हेल्पलेसली ये तो अच्छा अल्फाज है इनको यूज़ करना चाहिए अपनी राइटिंग में अगर आप ऐसे अल्फाज लिखेंगे तो इससे आपकी राइटिंग लगेगी पढ़ी लिखी राइटिंग है और मिच्योर राइटिंग है मतलब समझदार आदमी ने लिखा है अच्छे लिखा लिखने वाले ने लिखा है सादे अल्फाज लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस ऐसे ही है इसीलिए लोग वोकेबलरी बिल्ड करते हैं अच्छे अच्छे अल्फाज याद करते हैं समझ रहे हो बात आप भी करेंगे वोकेबलरी बिल्ड करेंगे हेल्पलेसली क्या होता है बेबसी के साथ बेवसी सही बेवसी है दिस इज ऑल ये सब है दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू अब देखो अकॉर्डिंग के साथ टू अक्सर लगता है

कभी भी अगर कोई मतलब लिखा है कि ओ दिस वॉज अमंग डैश या us, या अमंग अमंग ऑल थ्री बोथ ऑफस आया तो इसका मतलब बिटवीन बोथ ऑफस होगा क्योंकि दो आदमी है दो आदमी के लिए क्या होगा बिटवीन और दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा अमंग अब अगर लिखा आया कि दिस इज एग्रीड बिटवीन ऑल थ्री ऑफ सॉरी बिटवीन बोल रहा हूँ खुद ही दिस इज एक्रीड डैश ऑल थ्री ऑफ अस अब बिटवीन नहीं लगा सकते क्योंकि पता चल रहा है आगे थ्री लिखा है सही है तो इसका मतलब क्या आएगा थ्री हो गया तो अमंग अमंग आएगा और अगर बोथ ऑफ बोथ कहते हैं दोनों को बोथ yes. दो, लिखा है नहीं हम दोनों के درمیان हुआ तो फिर बिटवीन शाबाश गुड आप लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब सही है यहां तक क्लियर है कम हियर एंड लिसन टू मी इधर आओ कम हियर मतलब इधर आओ और मेरी बात सुनो लिसन टू मी मुझे सुनो द ओल्ड मैन व्हिस्परड अब देखो ये एक और खास वर्ड है व्हिस्परड बुजुर्ग आदमी ने बूढ़ा आदमी ने सरगोशी की यानी कान में कुछ कहा इधर आओ मेरी बात सुनो व्हिस्परड सही है इसको कहते हैं व्हिस्परिंग इस इस अमल को क्या कहते हैं व्हिस्परिंग और ही व्हिस्परड और आई व्हिस्पर और, और यू व्हिस्पर सही है या पास की बात हो रही है तो यू विश्व और आई विशर्ड और ही विश्पर्ड ओल्ड मैन विश्ड समथिंग कुछ बोला इन हिज एयर उसके कान में हिज एयर देखें हिज मर्द के लिए आता है लड़के के लिए और हर इसकी आता है लड़की औरत के लिए सही है फीमेल के लिए हर मर्द के लिए हिज हिज एयर नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह एज यूजल यानी हजबे मामूल एज यूजल क्या होता है जैसे आमतौर पर होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं हजबे मामूल, मामूल सही है

ये लगा हुआ है पोस्ट्रॉफी एस पोस्ट्रॉफी का के, की के मतलब में इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब गाय का हेड गाय का, का है। सही है? तो गाय जो है मूव मतलब हरकत करने लगी द गाय मूव इधर उधर हरकत किया उसने दिस वे इस तरफ एंड दैट मतलब उस तरफ इस तरफ उस तरफ सही है स्टॉप इट उसने कहा बंद करो इसे मतलब Shouted Shouted मतलब वो वो चिल्लाया. कहते हैं चिल्लाने को. Shouted Adam. Don't you see? Don't you see का का मतलब नहीं नहीं देखते क्या तुम? Milking the cow. आगे सवाल वो पूछ रहा तो मैं मैं नजर आ रहा गाय दूध निकाल रहा हूं आई एम मिल्किंग मतलब मैं निकाल रहा हूँ दूध गाय का Don't disturb डिस्टर्ब उसको डिस्टर्ब नहीं करो आई एम ओनली हिटिंग द फ्रंट पार्ट विच इज mine. मैं सिर्फ हिट कर रहा हूं या मार रहा हूं अगले हिस्से को जो कि मेरा है सैड मुआजम मुआजम ने कहा आई शेल डू वॉट आई लाइक मैं करूंगा मैं करना चाहूंगा जो मुझे पसंद हो विद माई पार्ट ऑफ द काउ अपने हिस्से के साथ जो गाय का है सही है तो आजम आजम वाज़ अ क्लेवर बॉय आजम जो था वो चलाक लड़का था तो ही गेस्ट गेस्ट का मतलब उसने अंदाजा लगा लिया गैस्ट सो so, लिहाजा सो इसके सो चलो फिर फिर या सो so, का मतलब लिहाजा या फिर लिहाजा वो समझ गया उसने अंदाजा लगा लिया गैस्ट दी गैस दैट उसने पहचान लिया या उसने अंदाजा लगा लिया के समी समी का मतलब किसी ने कोई शख्स किसी शख्स ने हेड एडवाइस मुआजम टू डू दैट कर दिया है मतलब पास्ट में एक परफेक्ट कर दिया है मतलब ये परफेक्ट टेंस हो गया सही है किसी ने समझा दिया है या इसको नसीहत कर दी है एडवाइस देना नसीहत करने को कहते हैं या समझाना नसीहत कर दी है मौजूद को ये करने के लिए समझ में आ गई बात ऑल राइट बहुत बेहतर आई शेल गिव यू हाफ द मिल्क एंड नाउ स्टॉप बीटिंग द काउ उसने कहा ठीक right, है ठीक है

एक और जुमला है एक और कुछ कोई कुछ कह रहा है एंड और यू मस्ट मस्ट जहां भी आ जाए मतलब जरूर तुम जरूर आल्सो का मतलब ये जो ऊपर तुमने कहा है ना इसके साथ भी और जरूर भी शेयर करो मतलब मेरे साथ बराबर बराबर का हिस्सा डालो इन द फीडिंग ऑफ द काऊ इसकी खिलाई पिलाई के अंदर भी यानी गाय की खिलाई पिलाई के अंदर इन दा मतलब इसमें इन होता है में में सही है इन द फीडिंग ऑफ द काउ मतलब गाय की खिलाई फिलाई में भी तुम जरूर अपना हिस्सा डालो ऑल्सो का मतलब हो गया भी शेयर का मतलब हिस्सा हो गया सही है सैड आदम हैड टू एग्री टू दिस और आजम को इस पर एग्री करना पड़ गया सही है agree. Agree मतलब उस पर मुतफिक होना पड़ गया सही फ्यू डेज आफ्टर कहते हैं बादेन, बाद बाद, वो कहते हैं उसके बाद मैं वहां गया उसके बाद वहां गया कुछ दिनों के बाद फ्यू मतलब कुछ डेज मतलब दिन कुछ दिनों के बाद आजम क्लाइम द डेट पाम ट्री आदम चढ़ा क्लाइंबिंग कहते हैं क्लाइंबिंग द माउंटेन माउंटेन क्लाइंबिंग एक बहुत स्पोर्ट्स है अच्छा ना माउंटेन पर चढ़ना सही है तो आदम क्लाइंड आदम चढ़ गया ऊपर चढ़ने जैसे क्लाइंबिंग द लैडर ओ आई एम क्लाइंबिंग द लैडर ओ यू प्लीज क्लाइंब दिस लैडर आप मेहरबानी करके इस लैडर पे चढ़ जाएं, क्लाइम करें क्लाइम क्लाइम क्लाइम। पक्का हुआ, तो आदम आदम क्लाइम्ड, चढ़ गया, द डेड पाम ट्री तो खजूर के दरख्त के ऊपर वो चढ़ गया टू पिक पिक मतलब उट, चुनने के लिए या ऊपर से उतारने तोड़ने के लिए राइप राइप कहते हैं बेटा पके हुए को जैसे सेब पक जाता है ना ऐसा खूबसूरत मजेदार रसीला हो जाता है यूं यूं चक मारो मारो तो 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 रस रस गिरता है आम होता है आम आम होता को कटू करो तो उसके मुंह तो उसमें तो रस नहीं टपकता तो राइप मतलब पक गया कच्चा हो तो कैसा होता है ना अजीब सा आड़ू भी जैसे पक जाता है तो उसको मुंह मारो तो कहता उसमें तो रस निकलता है कंट्रोल में ही नहीं आता मुंह में ऐसे टपकना शुरू हो जाता है सही है तो वो कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड राइप फ्रूट इट इज क्या जबरदस्त खूबसूरत पका हुआ फल है जबरदस्त तैयार हुआ हुआ फल है ना राइप 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 मतलब पका हुआ सही है जूसी सही है जूसी इसका मतलब नहीं है लेकिन वो जो राइप होता है वो जूसी हो जाता है सही है राइप डेट्स यानी पकी हुई खूबसूरत जबरदस्त खजूरें डेट्स खजूरों को कहते हैं सही है डेट्स के दो तीन मतलब होते हैं एक तो डेट का मतलब होता है तारीख एक डेट होती है ये तमर बोलते हैं अरबी में ये मतलब खजूर एक और डेट होती है वो अच्छी नहीं होती उसके लिए जो बता देता हूँ पता हो कि गलत चीज का भी पता होना चाहिए डेट पे जा रहा हूँ लोग बोलते हैं ना डेट पे जा रहा हूँ इसका मतलब किसी गैर महरम से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिसके साथ शादी नहीं हुई हुई समझ में आई बीवी के साथ डेट नहीं मारते लोग बीवी के साथ बोलते बेगम के साथ जा रहा हूँ तो डेट पे जा रहा हूँ का मतलब किसी जिन्स मुखालिफ के साथ यानी ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलने के लिए आ, मतलब सेपरेटली ये भी नहीं कि इन पब्लिक इन पब्लिक और जो भी हो मतलब हट के लोगों से अपने मिलने के लिए जा रहे होते हैं उसको डेट बोलते हैं तो उसकी अक्सर वेबसाइट्स आ रही होती है नेट पे लिखा होता है ना डेटिंग वेबसाइट तो डेटिंग वेबसाइट वो होती है तो इट्स नो गुड डेटिंग वेबसाइट से आपने बचना है क्या करना है

मुट्ठी भर हैंड मुट्ठी होता है ना हाथ होता है फुल मतलब भरा हुआ तो सिंपल मुट्ठी भर फुल ऑफ डेट्स मतलब खजूरें हर्ड he जब उसने सुना द साउंड आवाज आवाज खास आवाज, सही है ऑफ एन एक्स एक्स ये होता है कुल्हाड़ी जिससे काटते हैं दरख्त तो उसने साउंड सुनी कुल्हाड़ी की स्ट्राइकिंग द ट्री जो हिट कर रही थी दरख्त के ऊपर ही लुक्ड उसने देखा एंड सो और ही लुक्ड उसने उस तरफ मुड़ के देखा और उसको नजर आया और सो मुअज्जम सही है सो मुअज्जम उसको नजर आया मुअज्जम वॉज कटिंग वो काट रहा था देखो टिंग आ रहा है कट का मतलब काटना आगे टिंग भी लगा हुआ है तो आई आता है उसमें तो मतलब कुछ हो रहा है कटिंग मुअज्जम वॉज कटिंग वो कट कट कर रहा था द ट्रंक ऑफ द ट्री विद एन एक्स उसका तना रंक का मतलब उसका तना वो ऊपर चढ़ गया तो नीचे से वो उसका तना जो उसका मेन ब्रांच वो थी जड़ वो काट रहा था ऑफ द ट्री ट्री की विद एन एक्स यानी कुल्हाड़ी के साथ विद का मतलब सा, साथ सही है यहां तक क्लियर है Hey, hey का मतलब ओए ओए एम नहीं बोलते हैं उर्दू में हे वॉट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो तुम यू और डूइंग का मतलब कर रहे हो what are you doing क्या what का मतलब क्या what are you doing तुम क्या कर रहे हो shouted shouted मतलब चिल्लाया आदम चिल्लाया डोंट यू सी डोंट मतलब नहीं क्या नहीं देखते डोंट यू सी तुम नहीं देखते क्या अब ये आई एम है असल में इसको देखो शॉर्ट ऐसे करते हैं apostrophe लगा के क्यों किया क्योंकि जब बोल रहे होते हैं ना तो ऐसे नहीं बोलते आई एम गोइंग ऐसे नहीं बोलते रोबोट की तरह बोलते am going am am कर देते हैं सही है तो इसलिए एपोस्ट्रोफी लगा के वो वाला वो वाला लुक दे रहे होते हैं सही है am up here मैं इधर ऊपर हूं अप का मतलब ऊपर हूं अप हियर मैं इधर ऊपर हूं हियर मतलब वो जहां बैठा है वहीं का बता रहा मैं इधर ऊपर हूं पिकिंग डेट्स डोंट यू सी आई एम अप हियर पिकिंग डेट्स तो नजर नहीं आ रहा मैं ऊपर हूं इधर डेट खजूर तोड़ रहा हूं सवाल पूछ रहा है

I shall give you half of the dates. उसने कहा कि मैं दूंगा give you मतलब तुम्हें तो दूंगा half of the dates, आधी डेट्स दूंगा but you must stop cutting the tree. But मतलब लेकिन तुम मतलब शर्त लगा रहे हैं कि मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम जो है जरूर रोक दो ये दरख्त काटना Called out Adam, सही है आदम ने ऊपर से बोला जोर से सही है कॉल्ड आउट मतलब आवाज से उसने उसको कहा एंड यू मस्ट अब वो देखें जैसे ऊपर से उसने एक और पाबंदी लगाई थी ना पलट के, के तो मैं बेटा दूध तो तुम दोगे तुम्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा अभी यहाँ पे वो एक और पाबंदी लगा रहा है एंड यू मस्ट ऑल्सो शेयर इन दॉटरिंग ऑफ द ट्री बोला बेटा वो तो तुम दो, गे, दो गे, पानी देने में भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा सही है चिल्लाया एंड आजम हैड टू एग्री टू दिस और आदम को करना पड़ा मुतफिक होना पड़ा इस पर टू ये जो टू है बेटा खबपूरत है बड़ा खूबसूरत है ये टू इसका मतलब ये आखिर में लगता है और ऑल्सो जो है वो जरा बीच में और शुरू में लगता है सही है टू का मतलब यह है भी मतलब आजम एग्री टू दिस और इस पर भी वो मुतफिक हो गया क्यों भी लिखा है क्योंकि ऊपर एक और पे भी हुआ था ना गाय वाले पे खिलाने पे तो अब बॉटरिंग पे भी एग्री हो गया सही है क्लियर हो रहा है द सेम नाइट उसी रात व्हेन आदम केम जब आदम आया केम मतलब आया सही है टू टेक अब देखें केम टू केम टू टेक आया लेने के लिए द ब्लैंकेट टेक मतलब हासिल करने के लिए आया ब्लैंकेट ही फाउंड दैट इट वाज वेट उसने पाया उसे कि ये तो गीली है <laughs> फिर इन्वर्ट में लिखा व्हाट हैव यू डन विद द ब्लैंकेट सवाल पूछ रहा है तुमने तो, क्या किया है ब्लैंकेट के साथ He asked, उसने पूछा हाउ कैन आई स्लीप अंडर इट मैं किस तरह सोऊंगा इसके नीचे गिली हो रही है ना आई डोंट नो उसने बोला मुझे नहीं मालूम एंसर्ड मोजम इनोसेंटली मोजम ने जवाब दिया बड़ी मासूमियत के साथ सही है इट्स माइंड ड्यूरिंग द डे टाइम ये मेरी है इट इज माइन ड्यूरिंग द डे टाइम यानी दिन के दौरान दिन के वक्त के दौरान ये मेरी है ड्यूरिंग मतलब दौरान डे टाइम मतलब दिन के वक्त एंड आई कैन डू विद इट वॉट आई प्लीज और मैं कर सकता हूं इसके साथ जो मुझे अच्छा लगे वॉट आई प्लीज अब देखें प्लीज एक तो ये होता है ना प्लीज यार मुझे ये पेन दे दो ये मेहरबानी करो ये पेन मुझे दे दो और दूसरा एक प्लीज क्या होता है कि यार मुझे दे दो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करने के लिए दूसरा प्लीज होता है वो इट मी वो ये मुझे खुश करता है बहुत और pleased, बहुत और ही इज वेरी वो ज्यादा खुश हुआ है सही है प्लीज एक खुशी के लिए भी इस्तेमाल होता है या फरहत के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक प्लीज इस्तेमाल होता है मेहरबानी करो या हुत के लिए ना, सही है वेरी वेल well, बहुत अच्छा डियर ब्रदर प्यारे भाई प्यारे भाई फ्रॉम टमोरोकेट हम करेंगे ब्लैंकेट को शेयर करेंगे हम बराबर बराबर ले लेंगे we shall sleep together. हम साथ सोएंगे एंड शेल बी मोर कम्फर्टेबल और हम ज्यादा पुर आराम हो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ और जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं एक दफ़ा उसे जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा ताकि आप इस वाले हिस्से को सिर्फ रीडिंग के लिए तवज्जो से सुने सही है द इनहेरिटर्स अ पुअर फार्मर हैड टू सन्स आदम एंड मुअज़्ज़म देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड Now their father also died, and the boys inherited his property, which consisted of a cow, A date palm tree and a blanket. Adam, the elder brother, was very greedy and clever. But his younger brother, Muazzam, was simple and trusting. Adam suggested that they should divide the property left by their late father. How shall we divide the cow, for instance? asked Muazzam. Cut it into two? No, stupid, answered Adam. We shall just divide it verbally. For instance, the front part of the cow, which is the better part, shall be yours, while the rear part shall be mine. Agreed? Oh, yes, thank you very much. Moazam was delighted with the generosity of his elder brother. Similarly, the top of the date palm, which you cannot climb, shall be mine. While the lower part that's the trunk shall be yours. Agreed? Yes, agreed, answered Motham cheerfully. And what about the blanket? It shall be mine only from sunset to sunrise. That's only during the night. It shall be yours for the whole day. Agreed, said Motham. Thinking happily that it was a fair division. Now, Moadham would feed the cow and Adam would milk it. He would not give a drop of milk to Moadham. Instead, he would praise Moadham for looking after the cow and feeding it so well. It pleased the innocent younger brother so much that he gave even more grass to the cow and the cow gave more milk. In the same manner, Moadham regularly watered the date palm tree. When the dates were ripe for picking, Adam climbed the tree and picked all the fruit. He did not offer even a single date to his younger brother. Of course, he praised him for looking after the tree so well. Moadham was quite content with it As regards the blanket Mozam had no use for it because it was hot during the day at night when it grew cold he would shiver while Azam enjoyed a deep comfortable sleep under the warm blanket this went on for some time. an old man of the village noticed how the younger brother was being cheated by the elder brother. one day the old man went to their house and found motham feeding the cow. "why are you feeding the cow?" said the old man. "because the front part is mine," answered motham. And who gets the milk? My brother, because the rear part belongs to him, answered Motham innocently. Does he give you any milk? asked the old man. No. Then you are a fool. You look after the cow and feed her, and your brother gets all the milk. "but what can i do?" said mo'dham helplessly. "this is all according to the agreement between us." "come here and listen to me." the old man whispered something in his ear. next morning as usual azam began to milk the cow. mo'dham also came with a short stick and hit the cow's head. The cow moved this way and that. Stop it! shouted Adam. Don't you see I'm milking the cow? Don't disturb her! I'm only hitting the front part, which is mine, said Motham. I shall do what I like with my part of the cow. Adam was a clever boy, so he guessed that somebody had advised Motham to do that. All right. I shall give you half the milk and now stop beating the cow. And you must also share in the feeding of the cow, said Mordham. And Adam had to agree to this. After a few days, Azam climbed the date palm tree to pick ripe dates. He had hardly collected a handful of dates when he heard the sound of an axe striking the tree. He looked and saw Mordham was cutting the trunk of the tree with an axe. Hey, what are you doing? shouted Adam. Don't you see I'm up here picking dates? I'm only cutting my part of the tree, said Mordham, and went on cutting. And went I shall give you half of the dates, but you must stop cutting the tree. You must stop cutting the tree. Called out Adam, and you must also share in the watering of the tree, shouted Motham, and Adam had to agree to this too. The same night, when Adam came to take the blanket, he found that it was wet. What have you done with the blanket? he asked. How can I sleep under it? I don't know, answered Motham innocently it's mine during the daytime and i can do with it what i please very well dear brother from tomorrow night we shall share the blanket said adam we shall sleep together and shall be more comfortable So, बच्चों ये हो गया आपका रीडिंग भी हो गया दो पार्ट्स के अंदर आपकी फुल एक्सप्लेनेशन भी हो गई नाउ यू कैन डू द होल थिंग इसकी एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं इसके आंसर्स आप लोग खुद दे, दे सकते हैं क्योंकि यू नो वॉट द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट अगर आपके समझ में आ गया यू कैन ऑल यू कैन डू ऑल एक्सरसाइजेस सही है मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा आई हैव एक्सप्लेन इट एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं ओके सो हेयर वी फिनिश दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं इफ़ यू इफ इट इज़ रियली यूज़फुल फॉर यू अगर आपके लिए इस्तेमाल के लायक है वीडियो तो नीचे बताएं कमेंट करें लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें जजाक लाख व रहमतुल्लाहि व वरकू